नागरिक संशोधन विधेयक यानी CAA तो देश में लागू हो गया है, लेकिन इसको लेकर हंगामा पूरा बरकरार है। अब ये मामला पहुंच गया है सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ कई संगठनों के द्वारा याचिकाएं दायर की गई हैं। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि 19 मार्च को एक साथ सभी याचिकाओं की सुनवाई होगी। अब उम्मीद है कि कल इन याचिकाओं पर सुनवाई होगी और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ क्या फैसला लेते हैं, ये देखने वाली बात होगी। जानकारी के मुताबिक CAA के मुद्दे पर हर रोज कोई ना कोई खबरें सामने आती हैं, कोई ना कोई अपडेट सामने आती रहती है। अब ताजा मामले में CAA के नियमों पर रोक लगाने की मांग करने वाली सभी 192 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 19 मार्च यानी कि कल सुनवाई करने वाला है। इस मामले में चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हम मंगलवार को सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने का निर्देश देते हैं। CAA पर सुप्रीम कोर्ट में चर्चा के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि देखा जाए तो तब कानून लागू ही नहीं हुआ था और अब जब अधिसूचना जारी हो गई है तो इसकी सुनवाई जल्द शुरू की जानी चाहिए, इसलिए सुप्रीम कोर्ट में 192 याचिकाओं पर कल सुनवाई होगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में CAA के खिलाफ कुल 192 याचिकाएं लंबित हैं। अब आप ये भी जान लीजिए कि ये याचिकाएं किन किन लोगों द्वारा दाखिल की गई हैं। यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, असम कांग्रेस के नेता देवव्रत सेकिया और असम की संस्था AJYCP की तरफ से दाखिल की गई याचिकाएं भी इसमें शामिल हैं। इन याचिकाओं में CAA के प्रावधानों पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में भी कहा गया है कि CAA असंवैधानिक और मुसलमानों के खिलाफ भेदभावपूर्ण है। बता दें कि शीर्ष अदालत ने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल की इन दलीलों पर गौर किया कि वो विस्थापित हिंदुओं को नागरिकता देने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता और इसलिए इन मुद्दों पर तत्काल सुनवाई की भी जरूरत है। तो वहीं बीते दिनों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक मोबाइल ऐप भी शुरू कर दिया है, जो पात्र लोगों को CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने की सुविधा भी देता है। इसे गूगल प्ले स्टोर या फिर केंद्र सरकार की वेबसाइट से भी बखूबी डाउनलोड किया जा सकता है। इससे पहले गृह मंत्रालय ने CAA के तहत भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए पात्र लोगों के लिए पोर्टल भी शुरू किया था। तो वहीं अब आपको CAA के बारे में बताएं तो CAA को लेकर पहले भी देश में बहुत हंगामा मचा, खासकर मुस्लिम वर्ग के लोगों ने इसका खासा विरोध किया, क्योंकि लागू होने पर तीन पड़ोसी मुस्लिम बहुल्य देश पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए उन लोगों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी जो दिसंबर 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आए थे। इसमें गैर मुस्लिम माइनॉरिटी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को शामिल किया गया। बस यहीं से मुद्दा गर्मा गया। मुस्लिम पक्ष विरोध जताते हुए कहता है कि धर्म के आधार पर नागरिकता दी जानी गलत है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।